2023 में अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या है वो तीन स्किल्स जिससे आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर पाएंगे? देखिए, आज के जमाने में अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं टेक्निकल नहीं हूं या फिर मेरे पास स्किल्स नहीं है तो काम नहीं चलेगा, है ना? ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, राइट? आज के टाइम पे वो स्किल्स आपको अक्वायर करने हैं, और कोई भी जन्म से स्किल्स को लेके पैदा नहीं होता, स्किल्स प्रैक्टिस के साथ इवॉल्व होता है, आप उसको बिल्ड करते हैं। तो कौन से है वो तीन स्किल्स जिससे आप बिजनेस को कर पाएंगे? सबसे पहला इज लीड जनरेशन स्किल्स। ओके, ये एक स्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों के ओपिनियन है, बट उनको अवेयरनेस नहीं, उनको करेक्ट नॉलेज नहीं कि एग्जैक्टली बिजनेस कैसे होगा। और सबसे बड़ा डर लोगों का यही होता है कि यार मैं बिजनेस तो कर लूंगा बट मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को नहीं बोल सकता, मेरा इतना बड़ा सोशल सर्कल नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को आप बोलोगे भी ना तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, बिजनेस नहीं बिल्ड होगा, राइट? तो सबसे पहला स्किल होना चाहिए कि लीड कैसे जनरेट करना। लीड मतलब वो इंसान जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, राइट? वो इंसान जो आपको खुद अप्रोच करे। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो ना तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में, बट आपने सिस्टम ऐसा बनाया, इस स्किल को आपने सीखा कि लीड जनरेट कैसे किया जाता है। इंटरेस्टेड लोग जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जॉब वाले नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि लीड जनरेशन में लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, या तो वो लीड्स खरीद लेते हैं, राइट? लीड्स खरीदने से क्या होता है, वो इंसान जिसका आपने डेटा खरीदा है वो डेटा कहाँ से आया, कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं है, राइट? वो कौन सा फॉर्म फिल किया था? आज के टाइम पे हम डेली बेसिस पे 2-3-4 फॉर्म फिल करते हैं, एंड मैक्सिमम वो जो फॉर्म फिल किए हुए लोग होते हैं वो जॉब से होते हैं, राइट? तो आप जब उनको बिजनेस बताते हो तो उनको वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता, राइट? उनको वो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है, मैंने तो किसी और चीज के लिए फॉर्म फिल किया था, ये कॉल मुझे किसी और चीज के लिए आ रही है, और सामने से आप अप्रोच कर रहे हो, वो ऐसा भी नहीं कि वो लीड आपको अप्रोच करे, तो ये गलत अप्रोच है, राइट? दूसरा चीज मैं देखता हूँ, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जॉब पोर्टल्स पे जाके अपना एप्लीकेशन, लिंक्डइन, ये सब पोस्ट पे जाके जॉब पोस्ट डालते हैं और वहां से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ज्वाइन करा दें। ये लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज नहीं है। इसमें करोगे इन आपको थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा बट आगे चल के फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो कैसे लीड जनरेट करें, क्या वो सिस्टम है कि आप इंटरेस्टेड लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ जो आपको मैसेज करे? इमेजिन कीजिए आपको लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग बिजनेस विद यू। इमेजिन कीजिए कि लोग आपको मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे आपके साथ फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना है, कैसे करें? डायरेक्टली आपको उनको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सीखना जरूरी है कि लीड जनरेट करना कैसे। तो सबसे पहला स्किल होना चाहिए लीड जनरेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल इज कंसल्टेंसी स्किल्स। अब ये कौन सा स्किल है, इसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया, सब कम्युनिकेशन बताते हैं, लीडरशिप बताते हैं, ये अंडररेटेड स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो फॉरएवर लिविंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कर क्या रहे हो? आप यहाँ पे दो एक्टिविटी कर रहे हो, एक आप प्रोडक्ट खुद रिटेल कर रहे हो, दूसरा आप यहाँ पे और लोगों को हेल्प कर रहे हो कि वो भी बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो ये एक प्रॉपर कंसल्टेंसी बिजनेस है कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हो किसी और को कि वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, कैसे उनको कंसल्टेंसी देना है कि सामने वाला इंसान खुद बोले कि वो आपको ज्वाइन करना चाहता है, राइट? तो दूसरा ही कंसल्टेंसी स्किल होना चाहिए कि बिना कोई अचीवमेंट शो करे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा पीछे इसलिए हट जाते हैं, यार यहाँ पे बहुत चेक दिखाना पड़ेगा, बहुत अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये कंसल्टेंसी स्किल होना चाहिए कि बिना कोई चेक दिखाए, बिना कोई अचीवमेंट दिखाए कैसे लोगों से बात की जाए, ये आप एक्वायर करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए इस चीज को, राइट? और तीसरा इंपॉर्टेंट स्किल है प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल्स। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे हम तो फॉरएवर में प्रोडक्ट डील करते ही नहीं है। अरे बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो आप, राइट? आप एक साइड बोलते हो कि बिजनेस है, दूसरी साइड आप बोलते हो कि हम प्रोडक्ट डिलीवरी पे फोकस ही नहीं करते। अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपका सर्विस नहीं बिक रहा है, तो कौन सा बिजनेस चल सकता है, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हम यहाँ पे कैसे करते हैं, फॉरएवर का फाउंडेशन है 4CC एवरी मंथ, और 4CC एवरी मंथ विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी, खुद के पैसे बिना लगाए, दैट मीन्स 1+3। 1CC अगर आप अपने आईडी पे करते हो, दैट मीन्स आपके पैसे लग रहे हैं, तो उस 1CC के प्रोडक्ट का करोगे क्या? अगर आपके पास कस्टमर होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कस्टमर जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, क्योंकि फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है जिसके मार्केट में यूजर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है बट फॉरएवर के प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज के भी लोग हैं जो हमारे फॉरएवर कंपनी से नहीं है, बाहर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं बट वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इतने अच्छे क्वालिटी के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो कैसे आप कस्टमर जुड़ा सको, 15-20 कस्टमर का डेटाबेस बना सको जो आपसे हर मंथ प्रोडक्ट ले, ताकि 1 से 2 CC का रिटेल कर पाओ। दूसरा, कैसे वो लोग अट्रैक्ट करो जो ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके साथ खुद 1-to-1 मीटिंग बुक करे या आपको व्हाट्सएप करे, आपसे बात करना चाहे।
जहां पे आप लीड जनरेट कर रहे हो इंटरेस्टेड लोगों का, क्वालिटी लोगों का। ये नहीं कि आप फोन कर करके सबको बोल रहे हो, दिन में 100 कॉल कर रहे हो, आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि 100 कॉल करो उनमें से 3 लोग तो जरूर ज्वाइन करेंगे और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, इतने दिन से आप लगे पड़े हो, लीड्स भी खरीद रहे हो, पैसे भी लग रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट? तो ये 3 स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज लीड जनरेशन, नंबर 2 इज कंसल्टेंसी, नंबर 3 इज प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल, राइट? बिकॉज अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो फॉरएवर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप भले ही पैसे लगा के कर लोगे, बट आगे चल के बर्डन बनेगा, फिर आप फॉरएवर छोड़ दोगे, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगे। प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आप बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है इसको और ध्यान से समझने में, अच्छे से डिटेल में समझने में कि कैसे सिस्टम बनेगा कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, आप वो प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर पाओ जो ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है उसमें देख के रजिस्टर कीजिए, राइट? 1 घंटे का मेरा सेशन है जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से आप 100% ऑनलाइन कर सकते हो बिना किसी को कन्विंस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम भी बन सकता है फॉरएवर बिजनेस के साथ जब आप ऑनलाइन करते हो, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए, उसको अभी के अभी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और उसके बाद अगर आपको आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री कंसल्टेशन कॉल का लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो जूम कॉल पे, राइट? मैं आपको पर्सनली अपना समय दूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्योंकि कॉल में कितनी बार उठा नहीं पाता हूँ, राइट? तो ये सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप फॉरएवर बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर पाओ। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।